नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, तो आपके पॉट भी इस तरह से बेकार ख़राब से हो जाते होंगे, तो उनके लिए आप क्या करते होंगे? देखो, मतलब बहुत पुराने से हो जाते होंगे, बेकार से, जो मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। किसी के तो इस तरह से कलर फेड हो जाते हैं, कोई पुराने हो जाते हैं, जैसे प्लास्टिक वाले ये पॉट हैं, ये टूट जाते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बहुत पुराने से हो गए हैं ना, तो इसलिए इतने ज़्यादा देखने में अच्छे नहीं लगते। तो आज का जो मेरा ट्रिक्स है, वो बिल्कुल फ्री का ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स को आप सभी आजमाना, तो उसमें आपके एक भी पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं और आपके पॉट इतने सुंदर हो जाएंगे, इतने सुंदर हो जाएंगे फ्री में ही। तो मैं वो ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखना, मैं बताऊँगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। एक भी रुपए खर्च नहीं होने वाला है आपका दोस्तों, और पॉट आपके इतने सुंदर हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए आपको ना कुछ बाज़ार से ख़रीदना है, ना ही मतलब कुछ वो करना है। और ये देखो मेरे पॉट मतलब ऐसे हो गए हैं, तो मैंने मतलब सोचा कि इनको बिल्कुल ऐसा नया चमकदार बना देती हूँ, और मतलब पेंट करने की झंझट कौन करेगा। तो मतलब पेंट करने में काफ़ी टाइम लगता है, और जो ट्रिक्स मैं बताने जा रही हूँ आपको, उसमें मुझे कोई भी टाइम नहीं लगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो क्या है ट्रिक्स। ये जो मेरे गमलों में आपको कलर दिख रहे होंगे, ये मेरे प्लास्टिक के मतलब मैंने खुद ही डाई प्लांटर्स बनाए थे, जिनमें मैंने जेरेनियम के प्लांट्स लगाए थे। तो देखो कितने ब्राइट कलर हैं, मतलब इतने चमक रहे हैं ये कलर। तो क्या आप बता सकते हो कि मतलब ये कौन सा रंग होगा? तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये कौन सा रंग है। देखो ये यहाँ, ये देखो कितने चमक रहे हैं, कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत से। तो ये कोई रंग नहीं है दोस्तों, ये देखो, ये इस तरह से मैंने क्या किया है, जो भी लैगी थी, पुरानी टी शर्ट थी और बैग थे, जैसे बिग बाज़ार वगैरह से बैग वगैरह मिलते थे, उनसे मैंने अपने गमलों को बिल्कुल चकाचक कर दिया है। देखो कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ये तो मैंने अभी इसको वो किया, तो इसलिए मतलब ये ऐसे हो गया है। ये भी वैसे ही है, देखो ये यहाँ, ये मेरा पॉट है, ये भी वैसे ही है। यहाँ देखो ये मेरा पॉट है, ये देखो। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे वो बताऊंगी अपने लिए। यहाँ पे ये देखो, ये कितना खूबसूरत है। देखो ये मेरे हैंगिंग्स हैं, जिनमें मैंने ये लगाए हुए हैं यहाँ, और ये भी मेरे हैंगिंग्स हैं, इसमें मैंने लगाए हैं। ये बहुत पुराने हो गए थे मेरे हैंगिंग्स। और यहाँ पे ये देखो, ये मतलब कितने चमक रहे हैं, कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ना, आपको भी लग रहे होंगे। औरों में भी मैं लगाने जा रही थी, लेकिन इससे मतलब ये वाले भी, मतलब वो वाला जो मेरा रेड सा है ना, वो भी थोड़ा कलर फेड हो गया है, उसमें मैं लगाने जा रही थी। लेकिन मैं जैसे लगाने जा रही थी, वो मेरी बोरोटेल्स सारी टूट टूट कर मतलब गिर रही थी, उनमें तो छोटी छोटी बोरोटेल्स थी, तो इसलिए मैंने वो कर दिया। तो ये मेरी पुरानी लैगियाँ पड़ी थी, कुछ मेरे लोअर थे, कुछ टी शर्ट थी, तो मैंने उनसे ही किया है। तो मैं बता देती हूँ आपको आगे, ये वाला कलर कितना चमक रहा है। ये बिग बाज़ार से बैग आते थे ना, जिसमें हमको सामान वगैरह लाते थे, तो ये देखो, ये बहुत ही बड़ा पॉट है, तो बिग बाज़ार के बैग से ये मतलब बहुत ही बेकार सा हो गया था, और मैंने सोचा कलर कौन करेगा, तो देखो मतलब कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं बता भी देती हूँ कि वो ये ग्रो बैग, ये देखो इस तरह से, ये अब मतलब बिल्कुल चकाचक हो गया है मेरा पॉट। और काफ़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड को भी पहली बार बहुत अच्छा लगा, बोला तूने गमले बहुत चमका दिए। और यहाँ पे ये मैंने इसमें टी शर्ट लगाई है, मैं बता देती हूँ, ये मैं सुबह इसमें आइस फ्लावर के पौध लगाई भी है ना, तो ये देखो मैंने ऐसे करके हटाया है इसको, यहाँ इसमें मैंने टी शर्ट लगाई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखो यहाँ पे। और इसमें मैंने इसमें भी टी शर्ट लगाई है, वो देखो यहाँ। और आगे बता देती हूँ, उसमें भी मैंने टी शर्ट लगाई है यहाँ, इन सब में अभी मैं मतलब कर रही हूँ, पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर देती हूँ पहले, ताकि आप सब भी कर सको। आप देख रहे होंगे कि मेरे हैंगिंग्स कितने गंदे हैं, तो अब इनको पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ अभी, फ़िलहाल तो मैं कर देती हूँ पहले, तब उसके बाद ही बताऊँगी आपको ये क्या हो रहा है। देखो रंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और जूनू को चैन नहीं है, जैसे मैं बाहर आती हूँ जानबूझ के भौंकने लग जाता है मुझे देख देख के। तो आपके यहाँ भी इस तरह के टी शर्ट लैगीज वगैरह पड़े रहते होंगे ना, तो आप भी इससे मतलब अपने प्लांटर्स को
इस तरह से कर सकते हैं। देखो कितने चमकदार कलर हो गए। ये मेरी बेकार लैगी पड़ी थी, कुछ टी शर्ट भी थी, मैं आगे आपको और भी बताऊंगी। और इस तरह आपके पास बहुत सारे कलर की रहती होंगी, मेरे पास तो काफ़ी सारे कलर्स की पड़ी हुई थी। और ये देखो अब ये एक में ये, क्योंकि इनके कलर सबके फेड हो गए हैं तो मैंने सोचा इनको ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। और मतलब रंग भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये वाइट नहीं थी मेरे पास, वरना मैं, क्योंकि ये वाइट कलर का है मेरा हैंगिंग, वरना मैं इसमें वाइट ही करती। कुछ दिन बाद तो ये पूरा भर जाएगा, तो इसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे तो इसमें वो रेड लगता तो ग्रीन के साथ रेड ज़्यादा चमकता गमला, पर रेड ढूंढनी पड़ेगी, मुझे मिल जाएगी तो फिर रेड ही वो करूँगी, क्योंकि फिर उनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा ना, ये ग्रीन टर्टल वाइन और रेड ये प्लांटर्स। तो देखो मतलब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये दूर से दिखा देती हूँ, ये देखो कितने चमक रहे हैं ये दोनों। देखो ये तो इसका सेम ही कलर लग रहा है बिल्कुल, जैसे मतलब ये है, तो इसमें भी हम वो कर देते हैं इसको आराम से। देखो कितने आराम से आ गया है। और अब मेरा गमला बन गया है बिल्कुल नया का नया। ये बैग है, बैग को भी अब हम इस तरह से ऐसे करेंगे। दोस्तों आप जो भी लेगी या टी शर्ट और या लोअर, मतलब जो भी आपके पास हो वो थोड़ा ब्राइट कलर का ही लेना, ताकि मतलब वो चमचमाते कलर अच्छे लगते हैं पॉट में, क्योंकि हमारे तो बेकार पुराने पॉट को हमें नया जैसा बनाना है, तो मतलब ब्राइट कलर लोगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो आपको मतलब जो भी मतलब वो लेना होगा पॉट के साइज़ के हिसाब से लेना होगा, क्योंकि मतलब जैसे मतलब आपका पॉट होगा उसी साइज़ से आप, अगर बड़े पॉट होंगे तो आप टी शर्ट वगैरह वो कर सकते हो, लोअर भी काफ़ी लूज़ होते हैं तो उनके लिए मीडियम साइज़ के पॉट सही होंगे, और जो छोटे छोटे होते हैं और जो हैंगिंग होते हैं उनके लिए लैगी वगैरह सही रहती हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने पुराने बेकार पुराने से पॉट को आप इस तरह चमकदार चमक ऐसे मतलब चकमक चकमक जो भी कहो वो कर सकते हो आप। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो फ्री की ट्रिक्स है बिल्कुल, इसमें आपका एक भी रुपए खर्च नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मैं धीरे धीरे अपने काफ़ी सारे पॉट में कर रही हूँ, तो मतलब मैंने काफ़ी टाइम पहले ये वीडियो बना दिया था बहुत टाइम पहले, और शेयर मैं आप लोगों के साथ अब कर रही हूँ, क्योंकि और भी वीडियो पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा पहले उन्हें ही डाल देती हूँ।